हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आर के सिंह। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने क्लास टेंथ चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट में। एसिड के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साइंटिफिक अप्रोच के नाम से है। ओके, तो हम आज डिस्कस करेंगे एसिड के बारे में, राइट। तो एसिड में बेसिकली कुछ चीजें जो हमें समझनी है वो ये है कि जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की जब बात करते हैं, तो जो एसिड है उसका जो टेस्ट है वो सॉल्ट टेस्ट का होता है। क्या टेस्ट होता है? टेस्ट इज सॉल्ट, ठीक। उसके बाद जब हम इसकी प्रॉपर्टी जब हम इंडिकेटर के साथ देखते हैं, तो जो हमारा लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर के साथ, वो भी अगर हम ब्लू की बात करें, तो ब्लू लिटमस पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, टर्न रेड। क्या हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। एक स्ट्रिप होगा लिटमस पेपर का, जब उसको ऐसे सॉल्यूशन में डिप करें जो एसिडिक है, तो दैट ब्लू टर्न्स इनटू रेड, राइट। तो हम इसके बेस पे इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। थर्ड बात हमारी एक ये भी है कि अगर हम पीएच की बात करें, मतलब इन टर्म्स ऑफ, अगर हम पीएच को अगर हम डिफरेंशिएट करें कि वेदर द एसिड इज सॉल्यूशन गिवन इज एसिड, तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इन टर्म्स ऑफ पीएच वैल्यू। तो इफ पीएच इज लेस देन 7, राइट, इफ पीएच इज लेस देन 7, तो इसका मतलब हो गया कि जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। क्या होगा? एसिडिक होगा, राइट। तो मतलब पीएच लेस देन 7। तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई एसिड की, जिससे हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है कि कोई भी अगर गिवन सैंपल आपको दिया गया है लैब में और उसके बारे में आपको बताना है कि ये एसिडिक है या बेसिक है, तो एसिड के बारे में हमारे पास ये जानकारी आ गई। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड की। किसकी डिस्कस करेंगे? टाइप्स ऑफ एसिड। तो टाइप्स में आपको क्लास 10th लेवल तक जो चीजें पढ़नी है उसमें आपको दो बातें पढ़नी है एसिड के बारे में। पहला हो गया हमारा ऑर्गेनिक एसिड। क्या हो गया? ऑर्गेनिक एसिड। और जो दूसरा है हमारा वो क्या हो गया? मिनरल एसिड या मिनरल एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड इसको कहते हैं। जब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, वीक होगा, और जो ये है हमारा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब इसकी बात हम आगे भी डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट पार्ट में कि हम किसी भी एसिड को, ऑर्गेनिक को हम वीक क्यों कहते हैं, मिनरल को हम स्ट्रॉन्ग क्यों कहते हैं। तो यहां मैं एक चीज मैं लिख देना चाहूंगा कि जो ऑर्गेनिक एसिड है ये हमेशा हमारा नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होता है। कहां से? नेचुरल सोर्स से, लाइक प्लांट्स में, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, लाइक फॉर्मिक एसिड हो गया हमारा, आप लेमन की बात करें तो सिट्रिक एसिड हो गया, कर्ड की बात करें तो लैक्टिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड हो गया एप्पल में, ऑक्जेलिक एसिड हो गया रेड एंट में, फॉर्मिक एसिड हो गया। तो दे ऑल आर द ऑर्गेनिक एसिड सिंस इट्स पीएच वैल्यू इज लेस देन 7 एंड दे आर यूजुअली वीक एसिड। और जब हम फिर मिनरल एसिड की बात करते हैं तो दे आर स्ट्रॉन्ग बिकॉज दे आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स, एंड दे आर मोस्ट एग्जाम्पल इज HCl हो गया हमारा, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, और भी है, H3BO4 है, H3PO4 है। तो दे ऑल आर द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड विच इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, वेदर इट इज वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आई होगी। फिर इसके बाद हम जब डिस्कस करेंगे तो इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि जो मिनरल एसिड है उसको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे डिसोसिएट होता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, और वी हैव सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड अबाउट द इंडिकेटर्स कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई बाय यूजिंग डिफरेंट इंडिकेटर्स एट योर स्टैंडर्ड, जो सीबीएसई क्लास 10th में कई बार आ चुका है, एग्जाम में पूछे गए। और यहां ये देखिए कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है, राइट। कंप्लीटली आयनाइज्ड का मतलब होता है कि जितने भी आयन्स होंगे इनके पास H+ आयन्स, वो वाटर के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, एनाइड हो जाके H+ या H3O+। H3O+ हम इसलिए यहां पे लिख दिया मैंने कि आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, H3O+ इज एक्चुअली इक्वल्स टू H+, प्रोटॉन के बराबर होता है, राइट। और ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग आयन जो थे, ये हमारा आयन C डबल माइनस हो गया, ये क्लोराइड आयन हो गया। अब फिर हमारा है सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड।
जो ये पूछा जाता है और हमें याद भी रखना चाहिए कि एप्पल में हमारा मैलिक एसिड होता है, दे ऑल आर द वीक एसिड बिकॉज दे आर द ऑर्गेनिक एसिड। तो एप्पल में मैलिक एसिड हो गया, कर्ड में लैक्टिक एसिड हो गया, एंट में हमारा फॉर्मिक या मीथेनोइक एसिड हो गया जिसका फॉर्मूला हमारा HCOOH अभी पढ़ना भी है हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। लेमन में सिट्रिक एसिड हो गया, टैमेरिन और ग्रेप्स ये दो ऐसे हैं जिसमें टार्टरिक एसिड होता है। ये वही एसिड है जो हम लोगों ने अभी एसिड बेस सॉल्ट में पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी है कि जब हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं तो हम वहां इस टार्टरिक एसिड को जो माइल्ड एडिबल एसिड के नाम से जाना जाता है इसको हम लोग वहां ऐड करते हैं। टोमेटो दैट इज योर ऑक्सैलिक एसिड एंड विनेगर इज एसिडिक एसिड या इसी को हम कॉमनली इथेनोइक एसिड या CH3COOH भी हम इसके फॉर्मूले को लिखते हैं। अब यहां पे ये इंडिकेटर्स के बारे में मैंने यहां अलग से एक टेबल बना दिया ताकि आपको नोट्स बनाने में या इसको लर्न करने में आसानी हो। तो इधर मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो रेड लिटमस अपने आप जो भी इसमें अगर सॉल्यूशन अगर एसिडिक है और रेड लिटमस में आप अगर इसको पुट करते हैं तो देयर विल बी नो चेंज, मतलब रेड का रेड ही रहेगा वो लिटमस पेपर। लेकिन जैसे ही ब्लू लिटमस में आप रखेंगे तो जो ब्लू पेपर होगा उसका स्ट्रिप होगा वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं अभी एक वीडियो भी डालूंगा जिसमें मैं आपको एक्टिविटी करता हुआ दिखाऊंगा भी कि हाउ द ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस पेपर चेंजेज इट्स कलर इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फिर है हमारा बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन में जो रेड लिटमस है वो ब्लू हो जाएगा और इधर हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन में देयर इज नो चेंज, स्टे रेड चूंकि वो रेड लिटमस है, इसमें भी नो चेंज, स्टे ब्लू चूंकि आपने ब्लू लिटमस के लिए उसको यूज करने की कोशिश की है न्यूट्रल सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये हमारा आर्टिफिशियल इंडिकेटर है जैसा कि हमने अभी डिस्कस भी किया था पिछले वीडियोज में कि दे आर ऑल रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस कम्स अंडर नेचुरल इंडिकेटर्स एंड दे आर द आर्टिफिशियल इंडिकेटर विच इज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थेलीन। मिथाइल ऑरेंज अगर आप यूज करते हैं, इफ यू ड्रॉप ऑफ दैट मिथाइल ऑरेंज व्हेन यू केप्ट इट इनटू द एसिडिक सॉल्यूशन तो अपने आप जो उसका कलर होगा वो ऑरेंज रेड कलर का या ऑरेंजिश भी हम कह सकते हैं इसको, सो दैट इट कैन गिव यू द आइडिया ऑफ दैट द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में इट टर्न्स येलो, ओके फाइन। फिर नेक्स्ट इज व्हाट फिनोप्थेलीन, फिनोप्थेलीन में क्या होगा अगर एसिडिक सॉल्यूशन में आप फिनोप्थेलीन को डालते हैं इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन कलरलेस, बट जैसे ही आपने इसको बेसिक सॉल्यूशन में डाला तो इट टर्न्स पिंक। मतलब हमें दोनों चीजें यहां से पता चल गई कि अगर आप इंडिकेटर यूज करते हैं चाहे वो नेचुरल इंडिकेटर हो चाहे वो हमारा आर्टिफिशियल इंडिकेटर हो। नेचुरल इंडिकेटर में मैं एक दो चीज और यहां पे बता देना चाहूंगा कि हमारा जो है वेनिला एक्सट्रैक्ट है, हाइड्रेंजिया लीव्स है, टर्मरिक है, क्लोव ऑयल है, दे आर ऑल्सो कम्स अंडर द नेचुरल इंडिकेटर विच इज यूज टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। तो ये था हमारा एसिड बेस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज मैंने डिस्कस किए हैं। बोर्ड में ये 100% एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, तो इस पे आप वर्कआउट कर सकते हैं। इनमें अगर आपको विजिबल नहीं हो तो आप इसको जूम करके भी या स्क्रीनशॉट लेकर भी आप नोट्स में इसको आप कॉपी कर सकते हैं, ओके।